मुकर्र वक्त पर एक तरफ से चूहा निकला उसके हाथ में पौधे का एक लंबा सा तिनका था दूसरी तरफ से मेंढक आगे बढ़ा उसके हाथ में भी एक ऐसा ही तिनका था दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार हमला किया और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे अब ये लड़ाई जारी थी कि दूर हवा में उड़ती हुई एक चील ने देखा कि एक चूहा और मेंढक आपस में लड़ रहे हैं चील तेजी से उड़ती हुई नीचे आई और एक झपट्टे में दोनों पहलवानों को अपने तेज नोकीले पंजों में दबा कर ले गई अब वहाँ ना चूहा रहा ना मेंढक लेकिन दलदल अब भी मौजूद है अब इस कहानी का क्या नतीजा निकलता है मलाल यूसफ इंटरव्यू ने सोशल मीडिया पर आपने देखा है कि एक नई बहस छेड़ दी हर कोई इस इंटरव्यू पर बात कर रहा है कमेंट दे रहा है अब दो रोज़ पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान दें के पाकिस्तान की पहचान मलाा यूसफई जिनको दुनिया उनकी खवातन की तालीम और हक़ के लिए जो जोहद पर सराहाहती है उनकी बड़ी तारीफ़ की जाती है बहुत से लोग उनको अपना आइडियल समझते हैं उनका बरतानवी फैशन मैगजीन ने एक इंटरव्यू किया और वो मैगजीन के सफ़ाबल की ज़ीनत बनी मलला ने अपनी ज़िंदगी के मुतालिक बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें की तालीम के मुतालिक अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया की, मगर साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें कर दी जिन पर उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है अच्छा वो बात क्या थी जिसपे ज्यादा तनकीद हो रही का शादी के मुताबिक नजरिया ए, इस मुल्क के कल्चर और इस्लामी नजरिए से मुताबकत नहीं रखता मुला का कहना है कि जी मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को शादी क्यों करनी पड़ती है अगर आपको जिंदगी में एक साथी की जरूरत है तो इसके लिए शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों करना पड़ते हैं यह महज एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती अब मलाला के इस बयान ने काफ़ी सवाल खड़े कर दिए हैं और बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं सवाल भी उठा रहे हैं क्योंकि मलाला बैन अवी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं पाकिस्तानी के नाम से पहचानी जाती हैं पाकिस्तान के नाम से पहचानी जाती हैं मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनके नज़रियात जो हैं मगरबी होते जा रहे हैं क्या मलाला को मगरब की हवा लग गई है जबकि एक तबके की राय यह है कि मलाला जो भी कहें जो मर्जी बोले इससे किसी को कोई लेना देना नहीं किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए यह उनका जतीी मामला है क्या ये जाति मामला है या फिर जब आप अपने वतन की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं कहीं पर अपने वतन के नाम से जाने जाते हैं आ, अपने मज़हब के नाम से जाने जाते हैं और मजहब से ज़्यादा मैं इस टाइम पर पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहूँगी कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से या सोसाइटी के हवाले से अगर हम बात करें कि इस बात का या इस नज़रिए काशरे पर क्या असर हो सकता है ये माशरे में कितना बिगाड़ पैदा कर सकता है इस तरह का नजरिया इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आ, बहुत नामवर टीवी होस्ट मतीरा मतीरा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए मतीरा आपने बयान सुना फिर आपका आपने भी इस पर बात को आई होप आप खैरियत से होंगी मतीरा जी जी। ये मलाला के बयान पर काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है मलाल को सोशल मीडिया पर बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं बल्कि आपने भी इस हवाले से अपनी राय का खुलकर इजहार किया तो आप कैसे देख रही हैं दिख रही हैं ये मलाला का जो नजरिया है जो लोग कहते हैं जी मलाला की मर्जी वो जो मर्जी बोले लेकिन आपको लगता है है कि जब हम आ, को टीवी पर पर या मलाला 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 ने कितना नाम बनाया पाकिस्तान पाकिस्तान की की पहचान नहीं, नहीं।, नहीं। मलाला, तो उस लेवल पर जाने के बाद मलाला, आ, पाकिस्तान की क्या नहीं कर रही। वो जो 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 भी भी बोलेंगी उनकी मर्जी, जो भी कहेंगी उनकी मर्जी मर्जी कहेंगी बहुत सारी जैसे हमारी यंग जनरेशन ना उनको मुझे

अभी वो आ गया है लेकिन आ, अगर आप hmm. देख रहे हो जितने भी कैथलिक्स है क्रिश्चियंस दे बिलीव इन मैरिज इवन द हिंदूज बिलीव इन मैरिज तो ये मैरिज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग जो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है और अगर यही uh, इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगी हमारी यंग जनरेशन को uh, ये दिखाएगी दैट मैरिज इज़ लाइक ओके ओके तो आई डोंट थिंक सो ये इतना पॉजिटिव है क्योंकि उनके पास एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और और जो वो बोलती है हमारे बच्चे हाँ। उस चीज़ को यू you नो know, अपनाना चाहते हैं दे लुक एन हर एज लीडर सो आई थिंक उनको थोड़ा सा सोच हाँ। समझ कर बोलना चाहिए उनकी राय जो भी हो लेकिन फिर भी सबके लिए एक साथ ये नहीं बोल देना चाहे दैट दिस इज उन्होंने बेसिकली एक uh, एक लाइन खींचती एक्चुअली हैव टू गेट मैरिड इन्होंने ये एक सवाल उठा दिया है जो नहीं होना चाहिए बिकॉज आई थिंक मैरिज इज अ ब्लेसिंग ठीक है आपने बहुत प्यारी बात की अच्छा एक चीज देखकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी बड़ी परेशानी हो रही थी कि बतौर माशा पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं कि आपने जब मलाला की इस बात पर आपने भी तनकीद की और आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए निकाह या शादी होनी चाहिए भी आपने बड़ी प्यारी बात की अपने तमाम मजाब को ए, मैंशन किया कि सिर्फ इस्लाम में नहीं बाकी मजाब में भी शादी का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी बात है लेकिन बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर थे कि मतीरा ये बात करेंगे यानी आप लिबरल हैं आपका इस तरह का एक इमेज है तो लोगों को लगता है कि मतीरा ऐसी बात क्यों करेंगी तो इस पर आप जरा मैं चाहती हूँ कि नाजर को आज जवाब दें

मैं अगर अगर आपको प्यार है किसी से एंड यू वांट टू आगे अपनी जिंदगी hmm. आपको नज़र आ रही है तो आप एक हलाल तरीके से यू डू इट बिकॉज इट जस्ट अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड तो आई थिंक काम में भी आपको ब्लेसिंग hmm. चाहिए होती है uh, हर चीज़ में आपको ब्लेसिंग चाहिए होती है और नई जिंदगी किसी के साथ शुरू शुरू करने के लिए तो ऑफकोर्स अल्लाह की ही ब्लेसिंग चाहिए होगी ना दुनिया के तो नहीं हम्म अच्छा मतीरा आप पाकिस्तान से बाहर भी रही हैं बाहर तो आपको पता है कॉन्सेप्ट है वहां पे कि वहां पर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इकट्ठे रहते हैं वहां पे शादी के बगैर भी आप इकट्ठे रह सकते हैं लेकिन आज मैं मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और कुछ इस्लामिक ममालिक ऐसे हैं जहां पर बाकायदा उसूल है कि आप शादी के बगैर नहीं रह सकते जो कि बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अच्छा आप जब वहाँ से कम्पेयर करें अगर बाहर के ममालिक में जहाँ पर रही कभी और पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करें तो आप इस चीज़ को यंग जनरेशन को कैसे समझाना चाहेंगी उनकी कैसे रहनमाई करना

So, अगर आप एक वडी कॉल निका या मैरिज या प्रॉपर you कमिटमेंट know, के लिए जा रहे हो तो आपको पता होता है ये मेरी hmm. commitments है, ये मुझे uh, करना पड़ेगा ये मेरी hmm. जिम्मेदारियां और ये मेरी लिमिट है और कर, क्यों इतना बोल रही हूं? बात ये होती है देखो, शादी हुई अच्छी बात है अगर शादी नहीं चली एंड यू गेट डिवोर्स तो नो no प्रॉब्लम तब भी आप दूसरी शादी कर सकते हो सो इट्स नॉट अ वेरी बिग यू नो टैबू नहीं बनाना चाहिए